हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्टेड। तो क्या अडॉप्ट हुआ है, चलिए देखते हैं। फॉर सेवरल आवर्स ऑफ द डेलिब्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 28 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी पाई। जी पाई प्रोनाउंस्ड एज जी पे, ठीक है। तो जी पी ए आई है, पी ए वाई नहीं है। इंडिया इज होस्टिंग द समिट एंड विल चेयर द जी पे ग्रुपिंग इन 2024. The ministerial declaration affirms that the country commitment to principle for responsible stewardship of trustworthy AI rooted in democratic values and human rights and promoting trustworthy, responsible or sustainable and human centered use of AI. जीपे बोला जा रहा है, मैं पता नहीं क्यों जीपाई बोलना चाह रहा हूँ। जीपाई इज द ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, Europe and East Asia, which strives to work towards trustworthy developments, deployment and use of AI. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the first day of the summit. The previous summit was held in Japan, which is the outgoing chair of the GPI. We have also agreed the GPI, in keeping with values of partner countries, will be an inclusive movement, including countries in the global south, and make benefits of AI available to all people in the world. Minister of States and Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar told reporters as the government announced the release of declaration. The previous summit had taken place before the popularity of ChatGPT, and the buzz around AI grew exponentially. Mr. Chandrasekhar said the Delhi Declaration commits countries to work on mitigation concern around misinformation and disinformation, unemployment, lack of transparency and fairness, protection of intellectual property and personal data, and threat to human rights. तो इन सारे issues पे इस पे बात होगी। Best possible solution. We will discuss how the pool of OECD resources to harness the ability to come up with the best possible solution for the deployment and governance of AI for the good of our people. ये दो चार लोग फ्रांस मिनिस्टर फॉर इतना, ठीक है। तो इन्होंने बताया, वी स्पेशली थिंक जी पे शुड बी मोर इंक्लूसिव सो दैट वी इंकरेज मोर डेवलपिंग कंट्रीज टू जॉइन, ठीक है। इन्होंने ये सारी बात बोली है इंडियन मिनिस्ट्री, ठीक है। अब देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई, यूपीएससी अगर दे रहे हो तो अंडर द सन सब कुछ इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक दो आर्टिकल थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एआई हो गया, पूरे अच्छे से एआई के पॉजिटिव्स नेगेटिव हमें पता होना चाहिए। सेकंड, ये तो पहला था, हमें पता होना चाहिए जी पाई क्या है। 28 कंट्रीज इसमें आई हैं, इंडिया इसका चेयर किया इस बार, जापान इससे पहले था, ठीक है। जी पाई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 28 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, और कंट्रीज़ कौन सी है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें। नॉर्थ साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट एशिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद से चैट जीपीटी के पहले हुआ था, अब चैट जीपीटी आ गया उसके बाद वाला, इसीलिए इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख रहे हैं। बोला जा रहा है मोर इंक्लूसिव होना चाहिए, ये सारे कंसर्न्स है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंसी कम है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्सनल डेटा, थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, कंसर्न्स है, इसको ये एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू पार्टनर कंट्री ये सब ठीक है, इतना तो ठीक है, पर ये चीज़ें हमारे लिए, वर्ड एसोसिएशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, जी पाई क्या है, चलिए बताइए। तो हम लोग बोल देंगे, एक तो दवा है, एक तो होगा कुछ, एक एआई है, एक कोई मिसाइल सिस्टम है, तो पता होना चाहिए एआई सिस्टम है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।